hello student welcome to our channel most explained GSCB made easy in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 subject social science standard 10th the question is what is meant by green revolution both important question is so the green revolution the green revolution the phenomena of extraordinary increase in the farm product because of improved seed, एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ़ केमिकल फर्टिलाइजर इंटेंस एफर्ट बाय द फार्मर यहाँ पे खेती बाड़ी में ज़बरदस्त ग्रोथ होती है आ, कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जैसे बेहतर सीड केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसान बहुत मेहनत करते हैं वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी बहुत अच्छी दी जाती है नोटिसेबल इंक्रीज इन द इिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी भी बारिश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं नहरों के जरिए किस खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है सो so, इस तरीके से जब खेतीबाड़ी में डेवलपमेंट आने लगे एडवांसमेंट होने लगे अच्छी क्वालिटी के बीज अच्छी क्वालिटी की फ़र्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मशीनों के द्वारा फसलों को जोतना मिट्टी को सॉफ्ट करना हार्वेस्ट करना और अच्छे से अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड देना ताकि फसल अच्छी हो सके तो ये सब जो बदलाव हैं ये ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज टू इंक्रीज द फॉर्म प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मकसद बड़ा मकसद क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जितने भी हमारी खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ाना देयर हैज बीन अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड पैडी अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गेहूँ और चावल में जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ है एक वक्त में जो देश हमारा दूसरे देशों से अनाज को इम्पोर्ट करता था आज यही देश दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करता है ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन के बदौलत हुआ है सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन एंड ओवर हियर और इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच